बैक टू नाइट एंगल नर्सिंग एकेडमी, आज मैं आपके लिए फिर यहाँ पे न्यू अपडेट लेके आ गई हूँ। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि राष्ट्र स्वास्थ्य मिशन छत्तीसगढ़ के द्वारा यहाँ पे वैकेंसी आ चुकी है। जी हाँ, यहाँ पे स्टाफ नर्स की पोस्ट रहेगी, जिसके बारे में आपको बताऊँगी पूरी अपडेट। तो बने रही वीडियो के एंड तक, क्योंकि वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नीचे दिए गए जो का सब्सक्राइब बटन है उसको आपको सब्सक्राइब करना है, साथ में जो बेल आइकन है उसको ऑल पर क्लिक करें, ताकि जितनी भी नोटिफिकेशन हो वो आप तक पहुँच सके। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी जिला बालोदा बाजार भाटापारा बस्तर बिलासपुर के द्वारा यहाँ पे जो है आ चुकी है वैकेंसी, जिसमें 15वें दिन आयोग सत्र विषय देख सकते हैं। 15वें वित्त आयोग सत्र 2021-22 में हेल्थ ग्रांट के अधीन शहरी स्वास्थ्य संस्थाओं मतलब अर्बन हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में मानव संसाधन की भर्ती हेतु संबंध में, ठीक है। इसके मेरे हम देख लेते हैं पे क्या क्या है, यहाँ दिनांक कहाँ दिया गया है, स्तर पे गठित किया जाना है दिनांक 15 मार्च 2022 तक, ठीक है, मतलब 15 मार्च तक यहाँ पे गठित किया जाना है। बालोदा बाजार में देख सकते हैं यहाँ पे टोटल पोस्ट की बात करें तो यहाँ पे बहुत सारी वैकेंसी, बहुत सारी पोस्ट हैं। हम बात कर लेते हैं बालोदा बाजार में कितनी है, तो बालोदा बाजार में देख सकते हैं टोटल 12 है, जिसमें स्टाफ नर्स, हाँ स्टाफ नर्स के लिए 3 है, ठीक है, SWC 3 के लिए और MPW 3 है, और जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट के लिए 3 है एंड क्लास 4 के लिए 3 है, ठीक है, टोटल 12। तो यहाँ पे बाकी सबसे सेम है वो सभी की, ठीक है, 4 यहाँ पे रहेंगे SWC में। तो टोटल यहाँ पे देख सकते हैं बस्तर में 12, बस्तर में क्या है 16 है, सबसे ज़्यादा पोस्ट दुर्ग में निकाली गई है 108, इसके अलावा उससे भी ज़्यादा रायपुर में है 304, सरगुजा में 32 है, मुंगेली में 8 है, आप देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पे और पूरा देख सकते हैं कोरबा में कितने हैं, 76 है, इसके अलावा कोरिया में 12, महासमुंद में 16, मुंगेली में 8 बता दी, रायगढ़ में 24, राजनांदगांव में 12, ठीक है। इसके बाद बात कर लेते हैं उक्त जो है उक्त नियुक्तियाँ 15वें वित्त आयोग के अधीन होगा एंड समस्त कर्मचारी 15वें दिन आयोग के होंगे। उक्त भर्ती में छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी जिला स्तरीय आरक्षण सेक्टर का पालन किया जाएगा, ठीक है, और इस नियुक्ति वार्षिक मूल्यांकन के आधार पर होगा, अधिकतम 5 वर्ष के लिए होगी और वहाँ पे आपका कार्य देखा जाएगा। अगर कार्य अगर अच्छा नहीं हुआ तो वहाँ से आपको हटा भी सकते हैं, क्योंकि ये संविदा बेस पे है वैकेंसी। भर्ती की स्तर गठित जिला स्तर पर किया जाएगा, जिला से आपका सिलेक्शन होगा। भर्ती उपरांत चयनित अभ्यर्थियों का मानदेय भुगतान 15वें वित्त आयोग के हेल्थ ग्रांट के अधीन देय होगा, ठीक है। उपरोक्त पदों में निर्धारित शैक्षणिक योग्यता मानदेय संलग्न अप्रतिशत यहाँ अनुसार होगा। 15वें वृत्त इसके अनुसार मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पे देख पा रहे होंगे क्वालिफिकेशन दिया गया है, जिसमें कि स्टाफ नर्स के लिए क्या चाहिए, BSc नर्सिंग चाहिए, पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग JNM दोनों अप्लाई कर सकते हैं सॉरी इसके बाद CG नर्सिंग काउंसिल से आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। फाइनल मेरिट लिस्ट प्रिपेयर किया जाएगा बेसिस ऑन द ऑर्डर प्रायोरिटी, लाइक 16,500 आपका पेमेंट रहेगा। MPW के लिए यहाँ पे 14,000 पेमेंट रहेगा, ठीक है, मेल के लिए, जो कि मस्ट है पास हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन विथ बायोलॉजी सब्जेक्ट, 1 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए, मल्टीपल पर्पस वर्किंग ट्रेनिंग एंड इक्विवेलेंट ट्रेनिंग फॉर ट्रेनिंग सेंटर रिकॉग्नाइज बाई द स्टेट गवर्नमेंट विद रिकॉग्नाइज छत्तीसगढ़ पैरामेडिकल काउंसिल। जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की 12वीं पास होना चाहिए विथ 1 ईयर के एक्सपीरियंस कंप्यूटर डिप्लोमा में। क्लास 4th के लिए यहाँ पे 10th पास चाहिए, ठीक है। इसमें पेमेंट देख सकते हैं 10,000 है और इसमें जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट का 12,000 है। इसके अलावा बात करें यहाँ पे आप देख पाएंगे कुल विज्ञापित पदों की संख्या, तो अगर लिखित परीक्षा यहाँ पे कौशल परीक्षा होगा, जिसमें कि 1 से 10 कुल विज्ञापित पदों की 10 गुना यहाँ पे दिया गया है और 11 से 50 कुल विज्ञापित पदों के 5 गुना, 50 से अधिक रिक्त पदों में 3 गुना। अधिक शैक्षणिक योग्यता के लिए आपको 65% चाहिए होगा, ठीक है, 10 से 15% आपके संबंधित मान्य किए जाएंगे NHM के अंतर्गत छत्तीसगढ़ कार्य आयोजित में प्रत्येक वर्ष हेतु 3 अंक, मतलब एक्सपीरियंस के लिए बोला है, अगर हर एक साल का आपका 3 अंक मिलेगा, 10 से 15 अंक तक यहाँ पे निर्धारित रहेगा। अंतिम सूची चयन सूची, तो यहाँ पे जो भी पात्रता होंगे उनके लिए अंतिम सूची तैयार किया जाएगा,
जैसे कि मैंने बता दिया, इसके बेस पे रहेगा आपका जो परसेंटेज आपका जो है डिग्री डिप्लोमा का, उसके 65% और 10 से 15% एक्सपीरियंस से लिया जाएगा। अनुभव प्रमाण पत्र केवल शासकीय व अर्ध शासकीय एवं शासकीय वित्तीय संस्थाओं का ही मान्य होगा, प्राइवेट का नहीं होगा। कौशल परीक्षा 20 अंक का होगा यहाँ पर, ठीक है, उसमें ही पास होंगे तो होगा। कौशल परीक्षा में अभ्यर्थियों को कौशल परीक्षा के अंकों का 40% अंक अर्जित करना अनिवार्य है, ठीक है, मतलब 20 अंक का होगा जिसमें से 40% आपको करना अनिवार्य ही है। इसके लिए परीक्षा सूची दिया गया है, इसके लिए आपको क्या क्या सबमिट करना है, 10वीं 12वीं का अंक सूची, संबंधित शैक्षणिक योग्यता की अंक सूची, मान्यता इस आपका डिग्री डिप्लोमा का, निवासी, जाति, कार्य अनुभव, विशेष छूट हेतु प्रमाण पत्र, अन्य दस्तावेज आपको यहाँ पे सबमिट करना होगा। तो बहुत ही अच्छी वैकेंसी है ये, लेकिन संविदा बेस पे है, छत्तीसगढ़ वालों के लिए स्टाफ नर्स की पोस्ट रहेगी, ठीक है। ये थी पूरी अपडेट, अगर अपडेट अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद न्यू अपडेट के साथ, तब तक के लिए।